जो लोग उसके पास आ गए उनको अपना वचन दे दिया, अब अपने जीवन की सारी चिंता क्या करो, क्या कर दो, अपनी जीवन की सारी चिंता क्या कर दो, अपने पास रखोगे कि मुझ पर छोड़ दो, अपने जीवन की सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। कैसे कहा उसने, अपने जीवन की सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। ध्यान है उसको, आपका ध्यान है। बोलो, जितना एक मां अपने बच्चे को प्रेम करती है, बोलो, उससे वो ज्यादा हमसे प्रेम करता है। क्या करता है, उससे ज्यादा प्रेम वो करता है। अगर करता ना होता तो अपना बेटा ना देता और यीशु मसीह इतनी तकलीफ आपके लिए ना सहता। सही कि नहीं सही, उसने सही ना। इसलिए आज से 2000 साल पहले जो काम यीशु मसीह ने आपके लिए किया वो आज पूरा हो चुका है। बोलो, क्या हुआ, आज वो आज पूरा हो चुका, होगा नहीं, हो चुका है। इसीलिए ये वचन है अफिसियों के 4 में कि आपको उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, अब तुम उसके सन्मुख पवित्र और निर्दोष हो। क्या हुआ, अब उसके सन्मुख अब पापी नहीं हो। जैसे कुछ लोग आज भी ऐसे प्रार्थना ही करते हैं कि हम पापी हैं, उन्हें ये पता नहीं क्या है। परमेश्वर ने, अब तुम उसके सन्मुख पवित्र और निर्दोष हो, क्योंकि आपके अपराधों का लेखा उसने आपके ऊपर नहीं लगा, आपके पाप उसने क्षमा कर दिए। क्या कर दिए उसने, अब सिर्फ विश्वास करो और कोई पाप ना करो। क्या ना करो, उसने आपके पाप क्षमा कर दिए। उसने लिखा मसीह में और पृथ्वी की और स्वर्ग की सब आशीषें दे दी है, देगा नहीं, दे दी है। अब उसको अपने उस शांस से, उस बुद्धि से अपने जीवन में क्या करना है, पूरा करना है। क्या करना है, क्या करना है, पूरा करना है, पूरा क्या करना है, पूरा करना है। अगर नहीं किया तो वचन अधूरा है। बोलो क्या है, अगर नहीं उसको अपने जीवन में रिलीज किया, उस वचन को पूरा नहीं किया तो वचन अधूरा है और आपका जीवन भी अधूरा है। बोलो, इसीलिए आपका जीवन भी अधूरा है, अधूरा, समझ रहे हो। पर जिसके पास बुद्धि है, बोलो क्या है, उसे पता है कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है और वो हर चीज के लिए विश्वास करेगा। बोलो, पर कौन करेगा जो बुद्धिमान है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना, बुद्धिमान मनुष्य अपना घर कहां पे बनाता है और चट्टान पर बनाया घर क्या होता है, क्या होता है, वो नाश होता कभी नहीं होता है ना। क्योंकि बुद्धिमान अपना घर कहां पर बनाता है, पर जिनके पास बुद्धि नहीं है उन्हें ये नहीं पता है ना। जैसे पिछले वीरवार मैंने बताया था हिस्किया राजे के बारे, बोलो क्या है, उसके पास एक वचन आया यशायाह नबी के जरिए कि तू निश्चय ही मर जाएगा, क्या जाएगा। और उसने लिखा अपने मस्तक को, अपने माथे को दीवार की ओर लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, कैसे प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर याद कर, क्या कर, याद कर मैं तेरे सन्मुख कैसे चलता रहा। जो चला ही नहीं वो क्या कहेगा, जिसने कुछ परमेश्वर के लिए किया ही कुछ नहीं, बोलो, जिसने कुछ नहीं किया उसके लिए वो क्या कहेगा, हाँ, जिसने किया ही कुछ नहीं उसके लिए वो क्या कहेगा। उसने कहा याद कर मैं तेरे सन्मुख कैसे चलता हूं, क्या कर, याद कर, याद कर। तो जब परमेश्वर ने लिखा उसके रिकॉर्ड को देखा, क्या देखा, कि वो कैसे मेरे सन्मुख खरियाई से चलता था, उसके रिकॉर्ड को देखा और लिखा उसके 15 साल और बढ़ गए। क्या, जैसे आज लोगों को पता नहीं है ना, वो लोग तो कोई बात नहीं, बोलो, ये वो व्यक्ति सोचता है जो बुद्धिमान है, उसे पता है। बोलो क्या है, जो बुद्धिमान है व्यक्ति वो सोचता है, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो नहीं परवाह करता। क्या है,
मैंने कहा जो बुद्धिमान है वो इस चीजों को सोचता है, जो नहीं है वो नहीं, उसे नहीं पता किस जीवन में जिस खुदा ने मुझे चुना है वो क्या चाहता है और मुझे कौन सा जीवन देने वाला और कौन सा मुझे जीवन मिलने वाला है। समझ आ रही है? तो जिसके पास नहीं है बुद्धि उन चीजों पर कभी ध्यान नहीं देता, उसका जैसा मन है। इसी लिखा ना, मूढ़ व्यक्ति उसे तुच्छ जानती, मूढ़ व्यक्ति तुच्छ जान। इसीलिए लिखा ना कि इंसान अपने आप को बुद्धिमान मानकर, रोम की ऐसे पत्री में लिखा एक दाई में, कि इंसान अपने आप को बुद्धिमान मानकर उसके सामने क्या बन गए, मूर्ख। अविनाशी परमेश्वर को लिखा, उसकी महिमा को किसमें बदल दिया लोगों ने, नाशवान मनुष्य, पंक्षियों, चुपाए और रेंगन वाले जंतुओं की मूर्तों में, लिखा ऐसे उसके स्वरूप को बदल दिया। जैसे आज लोग कहते हैं कि हाँ ये भी परमेश्वर है, बोलो क्या है, ये भी परमेश्वर है, ये भी है, हाँ? जैसे आज 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 कौन सा दिन है, हाँ? समझते हो? आज दुनिया में कोई है दिन तो लोग कहते हैं कि हाँ जी ये सब उसके जीव जंतु उसके हैं, पर बाइबल में लिखा सब चीजों को किसने बनाया, बोलो। जब मैं नहीं जानता था मैं भी यही सोचता, पर सब चीजों को बनाने वाला वो परमेश्वर है जो शुरू में, जिसने लिखा आदि में, शुरू में आकाश और पृथ्वी को बनाया, सूरज को, हर एक चीज को, वहां पे लिखा ना बाती बाती जीव जंतुओं को बनाने वाला कौन है, वो परमेश्वर है। इसीलिए उसने कहा है वो अपनी महिमा किसी को भी खुदी हुई मूर्त को कभी नहीं देगा। क्या नहीं देगा? वो अपनी महिमा खुदी हुई मूर्त को नहीं देगा। समझते हो? इसलिए अगर आपके पास बुद्धि है, बोलो क्या है, अगर आपके पास बुद्धि है ये समझ आए, तो जैसे यीशु मसीह ने एक सामरी तीवी को कहा था कि जितने उसकी आराधना करना चाहते हैं वो कैसे करें, जितने उसकी आराधना करना चाहते हैं वो कैसे करें, कैसे करें, आत्मा और सच्चाई से, कैसे करें, जितने उसकी आराधना करना चाहते हैं कैसे करें, आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। क्योंकि परमेश्वर क्या है, एक आत्मा है। क्या है परमेश्वर, एक एक आत्मा, एक आत्मा, और उसके भक्ति करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। कैसे करें? और जिनके पास बुद्धि है, बोलो कितने लोग हैं जिनको लंबे समय से जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया। पौलुस ने क्रंथियस की कलिसिया को कहा, अगर आप उसका 12 अध्याय उसकी एक ऐत से पढ़ोगे तो वहां पे ऐसे लिखा कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक, ऐसे वहां पे लिखा चीजों से, वरदानों से क्या रहो, अनजान रहो, क्या रहो, पहले तुम गूंगी मूर्तियों के जैसे उसके पीछे चलाई चलते थे, जैसे आपको वो चाहता था वैसे चलाता था, पर अब जिसने आपको एक नया जीवन दिया है, बोलो क्या दिया आपको, एक नया जीवन दिया, उससे आप अनजान ना रहो, अनजान, बोलो। और जिसके पास बुद्धि है, जिसे समझ है, वो इन चीजों पर ध्यान करेगा, वो समझेगा, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले को परमेश्वर ने क्या दिया, स्पिरिट का, उसके आत्मा का दान दिया, क्या दिया। और जिसके पास नहीं है, जिसने अभी तक पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अभी तक नहीं पाया, उसने इस बात के लिए भी नहीं कभी सोचा कि मेरे पास क्यों नहीं है, बोलो, उसने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास पवित्र आत्मा क्यों नहीं है, बोलो क्या है, उस व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास पवित्र आत्मा क्यों नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं, बोलो क्या नहीं है, बुद्धि नहीं। जब चेलों को यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, कि तुम यरूशलेम से बाहर ना जाना, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझसे प्रतिज्ञा, मेरे पिता ने जो प्रतिज्ञा की है, क्या की है, उसकी वेट करना, उड़ीक करना,
और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम उसकी सामर्थ को क्या करना, क्या करना, उसकी सामर्थ को प्रकट करना। वहां पे लिखा पाओगे, पर सही शब्द है लंबानो, मतलब प्रकट करना। क्या करना उसकी, उसको प्रकट करना, प्रकट। अगर वो बुद्धिमान ना होते तो प्रभु तो ये उनको ये बात कहकर कहां पे चले गए, स्वर्ग में। कहां पे चले गए, और ये भी नहीं बता के गए कब आएगा, आज आएगा, कल आएगा। इसीलिए लोगों का मन संगति में लगता नहीं, वो कभी आते कभी नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। क्योंकि संगति करने से, विश्वास करने से, क्योंकि विश्वास कैसे आता है, सुनने से। बोलो किससे आता है, घर बैठे नहीं। लिखा विश्वास किससे आता है, सुनने से। जो लोग अभी भी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, पर चाहे वो ऐसे सुन रहे हैं पर सुन तो रहे ना, तो विश्वास किससे आता है, सुनने से। कैसे आता है, और कितने लोग हैं, कई लोगों ने अपने पीछे अपने टेस्टामनी सुनी, गवाहियां सुनी। जैसे एक ब्रदर था उत्तराखंड से, जिसे 2 साल से गुप्त रोग था, और उसने हजारों रुपये की मेडिसिन खाई। क्या खाई, हजारों रुपये। और इसी मीटिंग को उसने ऑनलाइन कुछ दिन ऐसे देखता रहा, और एक दिन उसने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की और बताया परमेश्वर का राज्य का कानून, कि वो सब कुछ पूरा कर चुका है, वो सब कुछ। और जैसे उसको ये चीज उसे समझाई गई कि आज से 2000 साल पहले परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर चुका, अगर आप विश्वास करते हो तो आप इस बीमारी से क्या हो। और वो बहुत जल्दी, वो जैसे इस हफ्ते और दूसरे हफ्ते उसकी वो सारी गुप्त प्रॉब्लम चलेगी। क्या चलेगी, उसकी सारी गुप्त प्रॉब्लम चलेगी। समझ आ रही है, क्योंकि वो उसने उन चीजों को विश्वास से लिया, मन से लिया, समझे, और बुद्धि से उन चीजों पर ध्यान दिया। इसलिए लिखा ना 3:1 में लिखा ऐसे, हे मेरे पुत्र मेरी तालीम, मनुष्य कहते हैं, हे मेरे पुत्र मेरी तालीम मेरी शिक्षा को ना भूलना। और कहां पे लिखना, कहां पे लिखना, अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। कहां पे लिखना, हृदय रूपी पट्टियों पर, ताकि आपको याद रहे। क्या रहे, याद। इसलिए जितने लोग ऐसे करेंगे, बोलो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे चेलों ने प्रभु की कई हुई बात को कट नहीं किया। क्या नहीं किया, वो अगर प्रभु ने कहा कि वो आएगा, डेट तो नहीं बताई कब आएगा, पर वो वेट करते रहे। क्या करते रहे, वेट करते रहे कि जो प्रभु ने कहा वो होगा। आपने कभी ऐसे सोचा है, जिसके पास बुद्धि है वो सोचेगा, वो ऐसे विश्वास करेगा कि कौन करेगा, कौन करेगा। जैसे यूसुफ ने पाप नहीं किया, यूसुफ ने कोई पाप नहीं किया, बोलो क्या नहीं किया उसने, चाहे वो हालात में चला गया, पर उसके पास बुद्धि थी, समझती, वो जानता था कि परमेश्वर क्या करेगा मेरे लिए, अच्छा करेगा। इसीलिए वो मिस्र का राजा बन गया, और उसके पास इतनी आशीष आ गई। क्या आ गई इतनी, बोलो, एक आम सा व्यक्ति अगर वो अपनी बुद्धि लगाता और वो पाप करता, और जितनी आशीष, जितनी बड़ी आशीष यूसुफ को मिली वो मिलनी नहीं थी। अगर वो थोड़े में है ना, जैसे अगर वो जितना उसको सुख मिला था, अगर उसी सुख में वो पाप करता तो बड़ा सुख मिलने वाला नहीं था। बोलो क्या है, बड़ा सुख जो परमेश्वर उसे देने वाला था उस हालात के बाद वो मिलना नहीं था। इसलिए उसने पाप नहीं किया, बोलो, क्योंकि उसके पास बुद्धि थी, समझ थी, उसने, उसे पता था ये चीज बुरी है। बोलो क्या है,
जैसे आज हमारे पास बाइबल है, उसके पास बाइबल भी नहीं थी। बोलो, जैसे आपके पास बाइबल है आज, उसके पास बाइबल नहीं थी कि यहां पे ऐसे लिखा है। परमेश्वर ने तो आपको हर एक चीज लिख कर दी, पर फिर भी हम कितनी आज्ञाओं को, उसकी कितनी बातों को तोड़ते हैं, तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं? इसीलिए लिखा ना, मूढ़ व्यक्ति उसे तुष्ट जानते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा में लगे रहते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, तो इसलिए वो तुष्ट जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? तुष्ट। जैसे शाऊल ने भी अपनी बुद्धि लगाई, परमेश्वर ने कहा, ऐसे शाऊल को कहा कि अमालेकियों की सब, उस देश के अमालेकियों की ये सेना सबको क्या कर दे, उसकी जो गायें, बेट, बकरी, दूध पीता बच्चा, बूढ़ा, इस तरीके सबका क्या कर दे तू, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर। उनके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि लिखा जब वो मिस्र से, उसकी प्रजा इज़राइल आ रहे थे, तो उन अमालेकियों ने परमेश्वर के लोगों का विरोध किया था। आपको पता है आपकी, आपका मूल्य कितना बड़ा है परमेश्वर की नजर में, आपका मूल्य कितना बड़ा है। लिखा जो आपको छुएगा वो परमेश्वर की आग की पुतली को छुएगा। आपका मूल्य बड़ा है। आमेन। मैंने कहा परमेश्वर की नजर में आपका मूल्य बहुत बड़ा है।